अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई, लेकिन आपको कुछ बताने आई हूँ। यानी ये समझ लें कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे से सवाल पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे, कि पेंटिंग सेल कैसे करें, हम अपनी सेल कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप वीडियो देख के भाई आपको नेक्स्ट डे ही ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके सेल के चांसेस बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि आप इन पे अमल करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिले। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप सीखें। आप बीच में से कोई स्किप कर देंगे फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली जो टिप है ना, वो ये है कि आपने ओरिजिनल काम करना है। ओरिजिनल काम से क्या मुराद है? ओरिजिनल काम से मुराद ये है कि आपने जो पेंटिंग बनाई है, जो आपने काम किया है, वो बिल्कुल ओरिजिनल हो और यूनिक हो। मतलब किसी दूसरे आर्टिस्ट का कॉपी वर्क ना हो। अगर आपने कॉपी किया है ना, तो आपने कितनी भी अच्छी पेंटिंग बनाई हो ना, आपको सिर्फ उसकी कॉस्ट दी जाएगी, आपको उसके डिज़ाइन के पैसे या किसी चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। कॉस्ट के पैसे मिलेंगे इससे क्या मुराद है? उससे ये इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक पेंटिंग बनाई है, किसी की कॉपी करके बनाई है, जब आप उसको सेल करने जाएंगे ना, तो जिसने ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है ना, उसकी फॉर एग्जांपल 10,000 की सेल हुई है, ठीक है? तो वो आपसे कोई अगर कोई और बाय करेगा, या तो वो आपसे बाय ही नहीं करेगा। अगर जो सही आर्ट लवर्स होते हैं वो किसी दूसरे आर्टिस्ट से बाय ही नहीं करते, लेकिन जिस तरह आजकल जिनको आर्ट का शौक होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी छोटे मोटे आर्टिस्ट से ना वो पेंटिंग की पिक्चर देते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें ये बना दें। तो जब आप उसको बना के देंगे ना, तो आप उससे 10,000 नहीं ले सकते उस पेंटिंग के, आप उससे सिर्फ 2,000-3,000 इतने ले सकते हैं जितनी उस पर कॉस्ट आई है, इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है ना, वो ओरिजिनल वर्क है। हमने सबसे पहले काम करना है ओरिजिनल वर्क पे, ठीक है? हमने ओरिजिनल पेंटिंग बनाई, जब हमने पेंटिंग बना ली ओरिजिनल, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है ना, बाकी मज़ीद मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमने ओरिजिनल पेंटिंग के लिए आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, वो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी, ठीक है? हमारा जो दूसरा स्टेप है ना, ओरिजिनल पेंटिंग हमने बना ली, उसके बाद हमने उसको उसकी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन पिक्चर खींचनी है। तो पिक्चर खींचने के लिए मैं हमेशा छत पे जाके पिक्चर खींचती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो मोबाइल्स के कैमरे होते हैं वो आउटडोर ज़्यादा बेहतर होते हैं इनडोर के मुकाबले में, तो वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती है। शायद बाहर जाके खींचे, डे लाइट में खींचे, जहाँ पे कहीं से भी वो शेडो ना आ रहा हो। अब हमने पिक्चर भी खींच ली, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने पिक्चर खींच के हमने डायरेक्ट उसको शेयर नहीं कर लेना, हमने उसको एडिट करना है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने किस तरह से उसको एडिट करना है। 2-3 दिन बाद मैं शायद एडिटिंग पे भी वीडियो बनाऊं, लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को बताऊं कि हमने उसको इतने अच्छे तरीके से एडिट करना है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल पेंटिंग लगे। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही चेंज कर दें, कि जब आपके अगर फर्स्ट करें वो सेल हो जाए तो अगला बंदा परेशान हो जाए, यार मैंने देखा तो ये था, निकला क्या है। तो इस तरह की भी एडिटिंग नहीं करनी, लेकिन बिल्कुल प्रोफेशनल और प्यारे तरीके से एडिटिंग करनी है। फिर उसके बाद उसको किसी रूम के अंदर या किसी भी किसी चीज़ में आपने वॉल पे लगानी भी है, उसको भी इसी तरह एडिट करना है। ये सारा कुछ एडिटिंग का मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है? हमने उसको एडिट भी कर लिया। एडिट करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है ना, वो ये है कि हमने उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। नाम क्यों ज़रूरी है? एक तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पेंटिंग कोई थर्ड पर्सन जो है वो पिक्चर लगा के सेल ना कर रहा हो, एक तो आप ये वजह, और दूसरी वजह यह है कि इन केस आपकी पेंटिंग किसी को पसंद आ जाती है, तो उसके पास आप तक पहुंचने के एक रास्ता हो कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, वो आपके अकाउंट तक पहुंच सके। तो ये नाम बहुत ज़रूरी है, और नाम के लिए ना मैं आपको एक प्रो टिप देने लगी हूँ, वो ये है कि आपने नाम हमेशा सिंपल रखना है। सिंपल से क्या मतलब? जिस तरह फर्स्ट करने मैंने अपना नाम रखा हुआ है FMARTART, लेकिन अगर मैं किसी को बताती हूँ ना कि मेरा नाम चैनल क्या, तो मैं बताती हूँ FMART। ये जो डॉट है ना, ये स्किप मैं हमेशा कर देती हूँ। और जो लोग मेरी पेंटिंग सर्च करते हैं, उधर सर्च में ना हमेशा सर्च में यूँ आ रहा होता है FMART, या तो ये गैप भी नहीं होता, डॉट तो कभी कोई डालता ही नहीं है, डॉट तो कोई डालता ही नहीं है, और गैप भी अक्सर नहीं डालते। तो आपने हमेशा सिंपल नाम रखना है। जैसे फर्स्ट कर लें आपका नाम आयशा है, तो आप आयशा में ऐसे करें, जैसे आप लिख रहे हैं आयशाज आर्ट, तो अगर आप ये लिख रहे हैं ना, तो ये जब आप कोई भी बंदा सर्च करेगा ना, तो वही सर्च में हमेशा ये नहीं लिखेगा, कभी भी नहीं लिखेगा, वो हमेशा आपको ऐसे सर्च करेगा आयशा। अगर बहुत ही उसने तकल्लुफ कर लिया ना, तो आयशाज आर्ट यूँ लिखेगा, ऐसे लिख देगा, लेकिन वो यूँ नहीं लिखेगा। तो आपने इंस्टाग्राम हो या कोई भी अकाउंट हो, उसमें ना डॉट डालना है, ना अंडरस्कोर डालना है, ना कॉमा डालना है, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि जब कोई सर्च करता है तो वो सर्च में इस तरह के
चीज़ें ऐड करने की तकलीफ नहीं उठाता, वो सिंपल नाम लिखने की कोशिश करता है। तो अक्सर अगर अगर आपका अकाउंट उसका नाम भी पता चल गया है तो उनमें ये चीज़ें हों, तो हो सकता है कि वो ये चीज़ें नहीं डाल रहा जिस वजह से उसको आपका अकाउंट नहीं मिल रहा। तो अकाउंट ढूंढने में इन चीज़ों से मसला आ जाता है। तो आप जितना नाम अपना सिंपल रख सकते हैं ना, उतना सिंपल नाम रखें, कि आप अपने नाम से रख लें अकाउंट का नाम, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आपने ओरिजिनल पेंटिंग भी बना ली, उसकी अच्छी सी पिक्चर भी कैप्चर कर ली है, उसको एडिट भी कर लिया है, उस पर अपना नाम भी लिख लिया, एडिट करके नाम भी लिख लिया है, सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिए हैं, उसके बाद आप शेयर करना है। और शेयर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और पिंटरेस्ट है स्पेशली, और काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अब हम बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, अब हमने उस पर पिक्चर पोस्ट करनी है, हमने अगर एक नई पेंटिंग बनाई है, ओरिजिनल स्पेशली ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है, ठीक है, हमने बनानी ओरिजिनली है, हमने ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है, तो हमने उसको ये सारे स्टेप को फॉलो करते हुए अब उस यहाँ तक पहुँचना है, हमने उसको शेयर करना है। तो हमने अगर फर्ज करें फेसबुक पे हमने पेंटिंग लगाई है, ठीक है, फेसबुक पे हमने पेंटिंग लगाई है, फर्ज कर लें हम किसी एक ने वहाँ से कॉपी की, कॉपी करके आपकी पेंटिंग उसको प्यारी लगाई, उसने किसी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा ली है, ठीक है, आप प्रोफाइल पिक्चर पे अगर लगा लिया है तो उसके जितने फ्रेंड्स हैं उसको वो शो हुई है पेंटिंग, उन सब में से किसी, हो सकता है किसी एक ने फिर से शेयर कर लिया आपकी पेंटिंग, यहाँ सेव कर लिया, तो इस तरह आपकी पेंटिंग फैलती जलती है, शेयर होती रहती है बहुत सारे लोगों में। तो अब आपकी पेंटिंग सिर्फ फर्ज करें शेयर भी हो रही है, तो उस पर आपका नाम नहीं है ना, तो अगर शेयर होने के बाद किसी कोई एक बंदा इंटरेस्टेड हो आपकी आर्ट में, तो वो अगर आपका नाम ही नहीं है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकेगा। तो नाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और नाम के लिए ये ज़रूरी, ये बिल्कुल नहीं करना कि अगर आपने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है तो इतना बड़ा इस पर नाम लिखना, नहीं, हमने अपनी पेंटिंग पे कोने में छोटा सा करके नाम लिखना है और उसकी ओपेसिटी बिल्कुल लो कर लेनी है, इतनी लो कि सिर्फ नाम देख के पढ़ा जा सके ना, 10-12 जगह पे उसको शेयर कर लिया, ठीक है, आपने उसको 10-12 जगह पे शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है सब्र, मतलब हमने सब्र करना है। सब्र करने से मुराद ये है कि ये नहीं मैं कह रही कि आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं और स्टेप फॉलो करने के बाद शेयर किया और सुबह उठे आपके पास हजारों ऑर्डर्स आए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आपने सब्र करना है और ये काम जारी रखना है। हो सकता है आपकी पहली पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तीसरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, हो सकता है पांचवी पेंटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, तो जिस वजह से आपको ऑर्डर मिले, ऑर्डर मिलने के बाद आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो करे, ग्रो करने के बाद आपकी जो पुरानी पेंटिंग्स भी हैं उस पर भी लोग ज़रा नज़र रखें कि ये पेंटिंग भी अच्छी थी, ये भी वायरल हो। तो आपने लाजमी बात है कि सब्र करना है, सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और अगला स्टेप ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। छोटी इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? अच्छा, मैं शुरू में, देखिए, मैं 16x16 इंचेस की पेंटिंग बनाया करती थी और हर कैनवस पे ना अलग डिज़ाइन बनाया करती थी। जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, जैसे कि ये साथ आ रही है, इसमें मैंने एक बैकग्राउंड बनाया और बैकग्राउंड मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट ही किया था कि मुझे एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि ये कितने साइज़ की पेंटिंग है। मैंने उनको बताया 16x16 इंचेस, उन्होंने मुझे कहा कि आप यही डिज़ाइन सेम हमें 24x24 इंचेस के कैनवस पे बना दें, लेकिन अंदर जो राइटिंग है ना वो ये लिख दें, ठीक है। सेम बैकग्राउंड सेम था, बस वर्ड जो था ना जो मैंने इस पर लिखा था वो चेंज था। उसके बाद मैंने एक और पेंटिंग बनाई 16x16 इंचेस की, जहाँ पे यहाँ पे बॉर्डर था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई पेंटिंग। उसके बाद ये मैंने पोस्ट ही किया तो एक और मैसेज आया जिसपे उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यही डिज़ाइन सेम 30x30 इंचेस के कैनवस पे बना दें। तो मैंने सेम यही डिज़ाइन बड़े कैनवस पे तब बनाया जब मुझे किसी ने ऑर्डर दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, छोटी इन्वेस्टमेंट की। तो इसलिए मैं आप लोग को कहूंगी कि अगर आप कैनवस और ये कलर सपोर्ट कर सकते हैं तो आप हमेशा पेंटिंग छोटे साइज़ की बनाएं। मैं 16x16 इंचेस की बनाती थी, आप अपनी पसंद का एक साइज़ कर लें जहाँ पे आप उस साइज़ पे ही हमेशा पेंटिंग बनाएं, उसको इंस्टाग्राम सारी जगह पे पोस्ट करें। अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो कि हमें ये बड़े साइज़ में बना, तो आप उसको उस टाइम बड़े साइज़ में बना दें, आप शुरू में बड़ी पेंटिंग्स ना बनाएं, ठीक है। आपने शुरू में छोटी पेंटिंग्स ही बनानी है। अब अगला स्टेप ये है कि आपने खुद को कंपेयर नहीं करना। कंपेयर से मुराद अब ये है कि आपने किसी आर्टिस्ट के डीएम में जाके उससे प्राइस पूछनी ही नहीं है, पूछनी ही नहीं है कि भाई कितने पैसे की ये सेल हुई है या कितनी इसकी प्राइस है, ये आपने बिल्कुल काम नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, कान खोल के सुन लें, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, प्राइस कंपेयर नहीं करनी। अगला स्टेप ये है कि फर्स्ट करें आपने 16x16 इंचेस की पेंटिंग बना ली, आपने एक पेंटिंग बनाई है, उस पर आपको एक ऑर्डर आया कि आप हमें बड़ी पेंटिंग बना दें 30 इंचेस की, ठीक है। आपने 30 इंचेस की पेंटिंग बना दी है तो आपके पास 50% चांसेस हैं कि जिस कस्टमर ने ये पेंटिंग बाय की है वो आपसे एक आपके पास दोबारा आए और आपको दोबारा ऑर्डर दे, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो आर्ट लवर है। अगर वो आपसे एक पेंटिंग बाय कर सकता है, वो आपसे मजीद भी पेंटिंग बाय कर सकता है, शर्त यह है कि आपका काम उसको पसंद आया हो। अब आपने अगर उसको पेंटिंग सेंड की है, भेज दी है, तो आप
पूरी कोशिश करनी है कि आपने उस पेंटिंग पे पूरी जान लगाई हो। जान से मुराद यह है कि हर लिहाज से जान लगाई हो, मतलब मटेरियल है वो आपने बहुत अच्छे यूज़ करने हैं, आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, आपने हर चीज़ को ना बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके करना है, काम इतना अच्छा काम करना है कि जब वो बंदा पेंटिंग आप जब वो पेंटिंग जो आपने उसको भेजी है उसके हाथों में पहुंची है, वो खोल के आपको उसको इतनी पसंद आए कि वो आपको मजीद ऑर्डर दे। फर्स्ट कर लेते हैं वो उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है, मैंने आपको कहा 50% चांसेस हैं कि आपको वो दोबारा पेंटिंग का ऑर्डर देगा, लेकिन फर्स्ट कर लें उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया तो उसने वो पेंटिंग अपने घर में लगाई हुई है, देखने वाला उसके घर में लगी हुई देखे कोई, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करे एक मजीद पेंटिंग ले ले, ठीक है। आपने इसलिए अपना जो पेंटिंग काम किया है ना उसमें आपने पूरी 100% देनी है अपनी, 100% याद रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने उसको एक पेंटिंग दिखाई है वो बहुत अच्छी है, जो आपने उसको डिलीवर किया वो बिल्कुल इमेच्योर सी पेंटिंग है, आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको प्रो टिप है वो ये है कि नाम, देखिए अगर अभी आपका नाम नहीं बना, अभी आपने 1-2 महीने हुए हैं या फिर अभी स्टार्ट करना है या कुछ भी, आपका भी नाम नहीं बना तो आपको हो सकता है कि लोग पैसे कम दें, आपकी मेहनत के भी पैसे आपके पूरे ना हो, तो मुश्किल से कॉस्ट भी पूरी हो रही हो। तो हमने शुरू में ये है कि आपकी मेहनत से कम पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सबको फॉलो करते जाएंगे, ओरिजिनल काम करते जाएंगे और करते ही जाएंगे, जैसे आपको मेहनत करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल गुजर चुके हैं या हो सकता है इससे भी कम, तो आपको आपका एक नाम बन गया और आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप एक ओरिजिनल काम करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एक नाम होगा, वो आपका नाम नहीं वो एक ब्रांड जाना जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आईफोन की, देखिए आधी से ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी आवाम तो क्या पूरी दुनिया में ही देख लें वो आईफोन सिर्फ इसलिए लेती है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये बता सके कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम ये वाली होती है, और जो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता है वो तो कोई भी मोबाइल, वो सोचते हैं कि मोबाइल ही यूज़ करना ना कोई भी ले लेते हैं, लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं जिन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना होता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो आईफोन ही लेते हैं। इसी तरह अगर आप करते जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ आप अपनी प्राइस भी बढ़ा रहे हैं तो लोग आपसे इसलिए भी पेंटिंग बाय करेंगे ताकि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता सकें कि हमने ये पेंटिंग फलाने ब्रांड से ली है, ताकि वो उनको शो करा सकें कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। ये एक बहुत टिप है जो ये वाकई ऐसा है, ठीक है, आप इसको जुटला नहीं सकते, ये वाकई ऐसा होता है, ठीक है। आपने अपना नाम कमाना है और नाम अच्छे तरीके से कमाना है, कोई उल्टी सीधी हरकत करके नहीं कमाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से कमाना है, ठीक है। नाम कमा लिया, सारा कुछ ये सारे स्टेप फॉलो हो गए, उसके बाद अब ओरिजिनल पेंटिंग की अगर हम बात कर लें ना, ओरिजिनल पेंटिंग का आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? देखिए आपके पास हमेशा एक ऐसे कोई पैड्स वगैरह हों जिस पर आपने हमेशा ड्रॉ किया हो, ये रखें ये लास्ट जो मैंने पेंटिंग बनाई थी उसका आइडिया था। अब ये है कि आपने अगर पेंटिंग बनानी है ना तो देखें आपके पास ऐसा नहीं होता कि आप पेंटिंग बनाने लगे आपको एक फ़ौरन आइडिया आपने फटाफट बना लिया, ऐसा नहीं होता। आपके पास हमेशा एक ऐसी कॉपी या पैड हो जिसमें आपने काफ़ी सारे डिज़ाइंस नोट किए हो, जैसे फर्स्ट करें मुझे एकदम आइडिया आया तो मैं उसको नोट कर दूँ कि मैंने यहाँ से ऐसे बनानी है पेंटिंग, इस पर यूँ बनानी है, ठीक है। अब मैंने पेंटिंग बनानी होगी ना जब, तो मैं इस पैड को देखूंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये पेंटिंग बनाया डिज़ाइन बनाया इनमें से मुझे कोई पसंद आए, नहीं ये ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं इसको तीनों को मिक्स करके एक न्यू डिज़ाइन बनाऊं और इसको मैं बनाऊं, ये हमारा यूनिक आइडिया होगा। अगर आपको पेंटिंग करने से पहले किसी की पेंटिंग को बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है ना तो आप इस फील्ड को बिल्कुल छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइडियाज़ आते हैं, आप कुछ बना सक रहे हैं, तो फिर आपको बस पॉलिश करने की ज़रूरत है, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और जो है इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप ये पेंटिंग सेल हो जाएगी, एक नहीं बहुत सारी पेंटिंग सेल हो सकती हैं। तो यह है कि आपके पास लाजमी बात है, ये देखें अब ये भी मैं दिखा दूँ, अगर ये देखें ये डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए हैं जो कि काम आते हैं जब मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ तब, ये देखें ये लास्ट ये भी मैंने पेंटिंग बनाई थी। अच्छा मैंने एक ये पेंटिंग बनाई थी जिसमें मैंने ये राइटिंग की थी, ठीक है। अब इस पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस देख लें तो एक ये प्रैक्टिस की है, एक ये तरह से लिखा था, ये लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 और आपको बहुत सारे और भी जगह पर लिखे हुए मिल जाएंगे। बहरहाल कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने उसको बहुत, जब भी आपको एक आइडिया है आपने उसको फ़ौरन ड्रॉ कर लेना है। जब आपने उसको फ़ौरन ड्रॉ कर लिया तो जब आप बनाने पेंटिंग बैठेंगे ना तो आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे जिनको मिक्स करके आप एक आइडिया बना सकते हैं, और वो जो आइडिया होगा ना वो आपका अपना ओरिजिनल आइडिया होगा और एक यूनिक आइडिया होगा,
ठीक है, और यूनिक आइडियाज जब आपने बना लिया, फिर इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इधर पहुंचेंगे, सॉरी इधर पहुंचेंगे, इधर पहुंच के इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपकी पेंटिंग सेल लाजमी होगी। और इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं छोड़ना, सबर को। अगर आपके पास छोटे कैनवस पे भी आप नहीं कर सकते, आपके पास ये कलर्स भी नहीं है, ठीक है, आप छोटे कैनवस भी बाय नहीं कर सकते, और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि आपने क्या करना है, आपने ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कलर्स हों अच्छे, आपके पास 16x16 इंच का कैनवस भी हो। आप ये भी कर सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, पेंटिंग स्टार्ट की थी, तो मैं हमेशा इन कलर से बनाती थी पेंटिंग। ये देखें, ये 20 रुपीज़ का एक कलर मार्केट से मिल जाता है, इजीली पोस्टर कलर्स हैं, मैं इनसे हमेशा पेंटिंग किया करती थी शुरू में। और जो मैं कैनवस की जगह यूज़ करती थी वो ये थी हार्ड शेड, इसका तो सबको ही पता होगा, ये 20-25 रुपए की आ जाती थी, और कटिंग करके इस पर 4-5 पेंटिंग्स बना लिया करती थी। इस पर मैं प्रैक्टिस किया करती थी, और प्रैक्टिस कर करके जब मुझे लगा कि मेरी पेंटिंग्स कुछ बेहतर हैं, तो मैंने क्या किया, कैनवस बाय किया और फिर कैनवस पर बनानी शुरू की। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैनवस भी मौजूद हो। आप इन मेरा ख्याल से 20 रुपए की ले लो, 20 रुपए के कलर्स ले लो, तो आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। जब आपको लगे कि आपके पास आपका काम अच्छा हो गया, आप ऑर्डर ले सकते हैं या ऑर्डर पे बना सकते हैं, तो आप फिर चीज़ें ले लें। अब तक के लिए ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही वो लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।